इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं जो राजस्थान के जैसलमेर से सामने आ रही है। यहां पर एक कैबिनेट मंत्री अधिकारियों को धमकाते नजर आए, पट्टे नहीं देने पर सस्पेंड कर देने की धमकी उन्होंने दे दी। जैसलमेर में मंत्री सालहे मोहम्मद पहुंचे थे, तभी उनका परिचय अधिकारियों से हुआ। इस दौरान वो अधिकारियों पर बरस पड़े और धमकाने लगे कि अगर 5,000 पट्टे नहीं दिए गए तो सबको सस्पेंड कर देंगे। दरअसल हाईकोर्ट के नियमों के मुताबिक सभी को पट्टा देना मुनासिब नहीं है, लेकिन इस धमकी के बाद जैसलमेर के अधिकारी सहमे हुए हैं। देखो, सस्पेंड करूंगा सीधा, एक बात सुन लो, आप भी सुन लो, यहाँ पर 5,000 पट्टे नहीं मिले तो आप सब जितने बैठो नहीं लाइन में, सब सस्पेंड होंगे, कोई नहीं बचेगा यहाँ पे। गलत बात का मैं सुनने वाला नहीं हूँ, गलत बात, पट्टे चाहिए तो चाहिए, 1,000 बात की एक बात है, मुझे पट्टे चाहिए। ये सिर्फ खाना पूर्ति लगा करके बैठ जाओ उसे काम नहीं चलेगा। एक जैन उधर भागे, आप उधर भाग जाओ, काम कौन मैं करूँगा? सुन लो भैया, आप काम में कोई कमी आ गई तो फिर एक्शन होगा आपके खिलाफ, उसमें कोई सुनना नहीं चाहता मैं, कौन सा नहीं चाहता हूँ। हाँ सुन लो, आप अच्छी तरह से। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।